अब पति भी ले सकते हैं अपनी पत्नी से तलाक। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ सोनिया डोगरा, आपके साथ हाजिर हुई हूँ एक बार फिर से। आपको बताते चले कि पहले की बात करें तो जो महिलाएं थी, यानी कि जो पत्नियां थी, पत्नी चाहे तो जब मर्जी अपने पति को डिवोर्स दे सकती थी, डिवोर्स ले सकती थी। लेकिन अब इस बार जो है वो मैं आपको बताते चलूं कि इस बार की बात करें तो अपने जो उनके पति है, पति भी चाहे तो अपनी पत्नी से डिवोर्स जो है वो ले सकते हैं। आपको पूरी बात जो है, पूरा मामला बताते चलूं, जैसे कि अगर पत्नी उसके माता पिता, जैसे कि आपने घरेलू की बात करें, जब शादी के बाद पत्नी ससुराल घर जाती है तो वही कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना होता है उनको। कुछ पत्नियां जो है अपने पति को अपने उनके माता पिता, जो उनके जो पत्नी के सास ससुर है, उससे अपने पति को अलग होने के लिए मजबूर करती है, लड़ाई झगड़ा करती है। वहीं पे इस बार अदालत की तरफ से फैसला सुनाया गया है कि अब अगर कोई पत्नी उसी के जो उनके पति के माता पिता से अलग रहने के लिए मजबूर करती है, या वो ये चाहती है कि हम लोग किराए पर जाएंगे, अपने माँ बाप को छोड़ दो, या अपने माँ बाप से अलग हो जाए, या अपने माँ बाप को कहीं दूर भेज दो, तो अब उस पे बताते चले कि पुरुष भी तलाक जो है वो अपनी पत्नी से मांग सकते हैं। चलिए पूरा मामला क्या है वो आपको बताते चलते हैं। हाल ही में फैसला सुनाया है कि एक पति को मानसिक कर्तव्यता के आधार पर तलाक के लिए फाइल करने का अधिकार है। अगर उसकी पत्नी ने बिना किसी उचित कारण के उसे अपने माता पिता से अलग करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, अदालत ने कहा कि ये माता पिता के रहने और पालने के लिए बेटे का पवित्र कर्तव्य बनता है कि अपने माता पिता के साथ रहने वाले बेटे को भी चाहिए कि अपने माता पिता के साथ रहे। वहीं पर आपको बताते चले, भारतीय संस्कृत और लोकाचार में बिल्कुल सामान्य था ये कहते हुए आपको बताते चले कि 31 मार्च की बात करें, 31 मार्च को एक महिला की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसने उसके पति को तलाक देने के पारिवारिक अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी। वहीं पर आपको बताते चले, मामला जो है 2009 का है, जब पश्चिम की बात करें, पश्चिम निदानपुर की एक पारिवारिक अदालत ने अकर्मता के आधार पर प्रशांत कुमार मंडल को उनकी पत्नी जर्मा से तलाक दे दिया था। उच्च न्यायालय की पीठ इस आदेश को चुनौती देते हुए पत्नी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। फैमिली कोर्ट ने अपने आदेश को इस आदेश पर आधार बनाया था कि 2001 की शादी के बाद से जर्मा ने प्रशांत का वहीं पर सार्वजनिक रूप से अपमान किया था, उसे बेरोजगार और कायर कहा था। वह तब स्कूलों में अश्रृंखला पढ़ा रही थी और वहीं पर ट्यूशन भी दे रही थी, तो वहीं पर चलते उसने बताते चले कि जो उनके घर पर झगड़ा जो था, गुजारा नहीं हो रहा था, वहीं पर कभी कभी झगड़ा भी होता था, वहीं पर महीने जो है 1400 रुपए कमाता था उसका जो पति है, तो उससे पैसे की मदद करने के लिए कहता था। वहीं पे यहाँ तक कि जब प्रसाद एक सरकारी नौकरी में शामिल होने की प्रक्रिया में था, जर्ना ने उसे उसके माता पिता के खिलाफ आरोप उसको बोला कि उसके माता पिता के खिलाफ करने की कोशिश की, उसे जो है नौकरी पाने से रोक दिया गया। उसने कहा कि जब जैसे ही पहले वो प्राइवेट नौकरी करता, जैसे ही गवर्नमेंट जॉब के उसके चांसेस बने, जो उसकी धर्म पत्नी है, तो उसने जो है उसके भी माता पिता से अलग रहने के लिए कहा, उसे वहीं पे उसे नौकरी पाने से रोक दिया गया। आरोप में अपराधी मामला दर्ज कर लिया गया। वहीं बताते चले, यहाँ तक कि जब प्रसाद तक एक सरकारी नौकरी में शामिल होने की प्रक्रिया में था, जर्ना ने उसे और उसके माता पिता के खिलाफ यातना के आरोप में एक आपराधिक मामला दर्ज किया, उसे नौकरी पाने से रोक दिया गया। तो उसने साफ तौर पर जो उसकी गवर्नमेंट जॉब थी, वो सरकारी नौकरी मिलने वाली थी, वो रोक दी गई। उसने साफ तौर पर यही कहा था कि अगर तुम अपने माता पिता से अलग रहोगे, अपने माता पिता से दूर रहने का उसे काफी ज्यादा मजबूर किया। वहीं पे जो उसके पति थे वो नहीं चाहते थे कि अपने माँ बाप को छोड़ के अपनी धर्म पत्नी और बच्चों के साथ मुझे अलग रहना पड़े, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं अपने बच्चों की इसलिए शादी करते हैं कहीं ना कहीं एक बुढ़ापे का सहारा बन सके। वो यही चाहते हैं कि कब हमारे बेटे की शादी हो, कब हमारी बहू रानी हो, कब हमारे घर पे हमारी सेवा हो, कब हम हमारे छोटे उनके बच्चे हो, हम दोत्र पोत्र हो, हमें दादा दादी के नाम से पुकारा जाए। वहीं पे आजकल की जनरेशन की बात करें, आजकल की बात करें, ये जो
जो मामला है वो कोलकाता के है, लेकिन वहीं पे आपको बताते चले ऐसी चांसेस हमें देखने को मिलते हैं घरेलू के कि जो पत्नियां जो है कुछ कुछ चलती रहती है, नौका चली जाती है, अपने पतियों को भड़का देते हैं कि आपकी माता ने ये किया, आपके पिता ने ये किया, तो कहीं ना कहीं जो पति है वो भी काफी ज्यादा परेशान होते हैं। तो कुछ महिला जो है वो उनको धमकाती है कि मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, मैं मायके चली जाऊंगी जब तक तुम अपने माता पिता को नहीं छोड़ोगे, या कुछ महिला ऐसे भी करती है तो जा तो उसको धमकाएगी मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। तो वहीं बताया गया अगर अब जो उनके पति है वो भी चाहे तो डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। तो अपनी पत्नी से अगर ये इस तरह की मनमाजी पत्नी जो है वो कर रही है, अगर उसे मजबूर कर रही है अपने माता पिता से दूर होने के लिए, वो नहीं चाहता अपने माता पिता से दूर होना, वो यही चाहता है कि एक फैमिली के साथ ही हम सभी बच्चों के साथ मेरी पत्नी के साथ माँ बाप के साथ में रहूं। अगर पत्नी को कुछ प्रॉब्लम हो रही, पत्नी चाहती है कि उसको अलग किया जाए, तो अब वो जो पति है वो भी चाहे जो पति है अपनी पत्नी से डिवोर्स ले सकता है, यानी कि डिवोर्स जो है वो फाइल करवा सकता है। वहीं तो पहले महिलाओं के हक में था फैसला कि महिलाएं जब भी पत्नी चाहे तो अपने पति का डिवोर्स तलाक मतलब ले सकती थी, तलाक जो है वो फाइल कर दे सकती थी। वहीं अब पति जो है वो अगर अपनी पत्नी से परेशान है, चाहे ये घरेलू मामला खासकर देखने को मिलता है खासतौर पर माता पिता को लेकर, माता पिता को लेकर अगर पत्नी कहती है कि अपने माँ बाप को छोड़ के अलग रहते हैं, या माँ बाप को घर से बाहर निकाल दो, या कहीं किराए पर उनको दे दो, या कहीं हम लोग किराए पर रहते हैं अपने माँ बाप को छोड़ के, तो माफ कीजिएगा, तो अब पति भी चाहे तो अपनी पत्नी से तलाक जो है वो ले सकते हैं। देखते रहिएगा हमारे चैनल को, इसी तरह से लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और खूब प्यार दीजिएगा। नमस्कार।